हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं IUI के बारे में। अगर आपका पहला IUI है या फिर दूसरा या तीसरा भी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आज इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आपको IUI की डेट मिल जाती है या फिर आपने प्रोसीजर बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया है, तभी से आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये वीडियो मिलता है, आप तभी से सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके जो एग्स हैं उनको उनकी क्वालिटी का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्स जो हैं हमारी बॉडी में बर्थ के टाइम ही बन जाते हैं, लेकिन वो मैच्योर जो हैं हर महीने होते हैं और उनको फॉलिकल में से बाहर आना होता है मैच्योर होकर, और तब आपका जो है भ्रूण बनता है। तो एग बन चुके हैं हमारे बर्थ पर ही, तो लेकिन जब मैच्योर होते हैं तो उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए आपकी डाइट इसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। तो आपको डाइट जो है आपको अच्छे से लेनी है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हैं, आप डाइट की वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बाकी सारे फैक्टर्स भी डिटेल में स्टडी करूँगी, बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको मेन बता देती हूँ, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, और जैसे कि दालें हैं, और आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी हैं। आप एक थंब रूल याद रखिएगा, ग्रीन, रेड और येलो कलर की चीज़ें आपको ज़्यादा खानी हैं, और इसमें ग्रीन और रेड आप सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। फ्रूट्स, दालें और सब्ज़ियाँ इन्हीं रंग की खाएँगे, तो इससे आपका जो है सारे इसमें आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। बाकी आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, आपको हाई फाइबर डाइट रखनी है, और आपको फ़ैट की मात्रा कम करनी है। अब फैट की मात्रा कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूध बिल्कुल बंद कर दें, दूध और पनीर भी आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप दिन में 2 ग्लास दूध ज़रूर ले सकते हैं। बाकी बाहर का खाना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए जब भी आपने ट्रीटमेंट की सोची है, क्योंकि उससे आपको सिर्फ आपकी जो है ब्लड में शुगर बढ़ता है, और आपको ट्रांस फैट जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं एग की क्वालिटी को। तो आपको जैसे ही आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आप तभी से अपना जो है बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप घर में भी बनाते हैं तो चाइनीज़ खाना जिसमें एजिनोमोटो होता है आप वो बिल्कुल अवॉइड करेंगे घर में बना हुआ भी, और बाकी ज़्यादा तला भुना भी खाना बंद करेंगे। आप सात्विक खाना खाएंगे, मतलब बिल्कुल नेचुरल और भरपूर खाना जो कि जिसमें जान हो, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, दालें, ये सब चीज़ें आप खाइए, अनाज खाइए, साबुत अनाज इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे ओट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, आप इन सब चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल करिएगा। पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब आपका IUI हो जाता है, 2 वीक्स वेट है, तो उसके बाद आपको गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी हैं, और ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करी हैं अलग से वीडियो में। तो जो आपको गर्म तासीर की चीज़ें अगर आपको नहीं भी पता है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं उस चीज़ का नाम डालकर गूगल पर, तो आपको पता लग जाएगा कि गर्म तासीर की चीज़ है या नहीं। तो आप जो भी गर्म तासीर की चीज़ें उसे आप कम मात्रा में खाएँ IUI के बाद, और बाकी चीज़ें आप नॉर्मली खा सकते हैं। तो इन चीज़ों बातों का आपको खाने में ध्यान रखना है। दूसरा है, जब तक आपका IUI नहीं हो जाता है, आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है। फर्टिलिटी मसाज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च हुई है, और इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके ओवरीज़ का और आपके जो यूट्रस का, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और इससे आपका जो है इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलती है। तो वो आपको कैसे करनी है, काफ़ी सिंपल है। आप पीरियड्स, जब तक आपके जब पीरियड्स आ जाते हैं, आपके पीरियड्स ख़त्म होने पहले 14 दिन तक आपको ये फर्टिलिटी मसाज करनी है, और उसके बाद बंद कर देनी है, और फिर आपके अगली पीरियड जब तक नहीं आते हैं तब तक इसे बंद रखना है। यानी कि आपको सिर्फ महीने में 12 से 14 दिन इसे करना है, और उसके बाद इसे बंद कर देना है। तो आपको पेट के निचले हिस्से पर अपनी 4 उंगलियां लेकर बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का घुमाना है, यानी कि मसाज करनी है। बहुत ही नॉर्मल है, आप किसी भी ऑयल से इसे कर सकते हैं। ध्यान रहे कि IUI के बाद आप इसे बिल्कुल ना करें। सिर्फ IUI जब तक नहीं होता आपका, तभी तक कुछ महीने तक आपको करनी है, जब से आपका IUI नहीं हो जाता। जिस महीने आपका IUI होता है, आपको तब भी ये मसाज नहीं करनी है। जब आपको डॉक्टर्स दवाइयाँ दे देते हैं, उसके बाद आपको ये मसाज नहीं करनी है। तो अब बात कर लेते हैं प्राणायाम की। देखिए, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, इसमें भी सेम रूल है, जब तक आपकी दवाइयाँ शुरू नहीं हो जाती हैं एग बनने की, यानी कि जब जिस मंथ में आपका IUI होना है उस मंथ में आपको ये नहीं करना है। बाकी मंथ्स में आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम है। इनफैक्ट अनुलोम विलोम को तो आप IUI होने तक कर सकते हैं उस मंथ में, लेकिन कपालभाति को थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो जब तक आपका जिस मंथ में IUI नहीं होता, उससे पहले पहले आप कपालभाति और प्राणायाम को आप 10-10 मिनट हर रोज़ कर सकते हैं सुबह शाम। इसके अलावा आप जो है आप वॉक कर सकते हैं, सुबह शाम वॉक करिए। आप खाने के आधा घंटे के बाद या 10-15 मिनट के बाद आप जो है हल्की वॉक कर सकते हैं, ताकि आपके जो ब्लड बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे। बाकी अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है।
आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है तो, बट बाकी वेट लिफ्टिंग वगैरह जो जिम में होती हैं आप वो सब अवॉइड करेंगे, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है, चाहे IUI आपका हुआ हो या नहीं। लेकिन अगर आज आपका IUI हो जाता है तो अब भी आप तो आपको ये कपालभाति और अनुलोम विलोम भी नहीं करना है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स आपको, जैसे ही आप IUI के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मल्टी विटामिन दे सकते हैं, फॉलिक एसिड दे सकते हैं, तो आप उनको रेगुलर रखेंगे, आप एक दिन भी उन्हें मिस ना करें। अगर डॉक्टर भूल जाती है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फॉलिक एसिड, मल्टी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह कई बार डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, खासकर फॉलिक एसिड तो हमेशा दिया ही जाता है। अगर आपका IUI जो है स्टार्ट होना है इस मंथ या नेक्स्ट मंथ या कभी भी, तो आप उसी दिन से जिस टाइम आपने सोचा है IUI वगैरह तभी से ही फॉलिक एसिड स्टार्ट डॉक्टर्स कर देते हैं। बाकी डॉक्टर की सलाह पर ही ये दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। बाकी देखिए, एक्यूपंचर होता है, काफ़ी अच्छा जो ट्रीटमेंट है। जब जिस मंथ में आपका IUI होना है उससे पहले पहले आप जो है एक्यूपंचर जो है उसको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये आप किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं और इसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको मेडिटेशन जो है आपको हर रोज़ करना चाहिए। मेडिटेशन की मैंने वीडियो भी बनाई है प्रेगनेंसी के लिए, तो आप उसे सुन सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना आता है तो आप ज़रूर मेडिटेशन करिए, और साथ में आपको मेडिटेशन के बाद आपको विजुलाइज़ करना है कि जैसे आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, और ये भी मेडिटेशन होता है प्रेगनेंसी मेडिटेशन। इसमें आपको विजुलाइज़ करना होता है कि आपका जो है प्रेग्नेंट हो चुके हैं और आप कैसा फील करेंगे, तो आपको फीलिंग जो है लेनी है, और उस फीलिंग के लिए आपको थैंक्स करना है यूनिवर्स को, गॉड को। इससे क्या होता है आपकी एनर्जी जो है शिफ्ट हो जाती है, तो आपको ये विजुलाइज जरूर करना है। इसके अलावा मैंने 555 टेक्निक के बारे में बात करी है, और आप होपोनोपोनो जो प्रेयर होती है वो भी हीलिंग की प्रेयर है, उन पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आप मेरे प्रेयर्स और मंत्रा वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कुछ मंत्रास हैं, कुछ प्रेयर्स हैं और 555 टेक्निक है, तो ये सब अलग वीडियो में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको जो है नहीं खानी है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि बाहर का खाना तला भुना सब बंद कर देना है। आपको नॉनवेज भी जो है वो बंद कर देना है। आप फ़िश खा सकते हैं पर वो हाई मर्करी वाली फ़िश नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन आपको रेड मीट जो है बिल्कुल अवॉइड कर देना है, और अजीनोमोटो से बना खाना अवॉइड करना है। आपको ट्रांस फैट अवॉइड करना है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शुगर की मात्रा आपको बिल्कुल कम कर देनी है, और जो मैदा से बनी चीज़ें हैं वो भी आपको बंद कर देनी है, और हाई जिसमें आप अगर दूध भी लेते हैं तो उसको डबल टोन दूध अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें फ़ैट कम होता है। इसके अलावा आप सोयाबीन मिल्क जो होता है, सोया मिल्क, उसको आप डॉक्टर से पूछकर आप उसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि IUI के बाद हमें क्या करना है। तो देखिए, IUI के बाद आपकी डाइट के लिए मैंने अलग वीडियो आपको बता दिया है, गर्म तासी की चीज़ें नहीं खानी होती हैं, और आपको जो है IUI के बाद 2 से 3 दिन तक हस्बैंड से कॉन्ट्रैक्ट रखना होता है। आप इस बारे में डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप डॉक्टर से जिस दिन IUI होता है उस दिन आप अपने क्वेश्चन जो है पेपर पर लिख लीजिए, और उस टाइम आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको जो है ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होता, और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बात किससे पूछे, तो आप सारे अपने क्वेश्चन आप अपने डॉक्टर से जो पूछने हुए हैं आपको पेपर पर लिख सकते हैं। तो आप डॉक्टर से यही इस बारे में पूछिए कि आपको जो है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह वैसे तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में लिस्ट दे दी जाती है, तो आप हस्बैंड से कॉन्टैक्ट कितने दिन रखना है आप इस बारे में भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो जनरली 2 से 3 दिन तक आपको हस्बैंड से कॉन्टैक्ट रखना होता है IUI के बाद, और उसके बाद हस्बैंड से कॉन्टैक्ट नहीं रखना होता, क्योंकि आपके यूट्रस को उस टाइम पर रेस्ट करना होता है 15 डेज तक।